हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की तो देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं सिंपली कंट्रोल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी भी प्रोग्राम में या एल्गारथम में फ्लो ऑफ कंट्रोल बताते हैं दे आर कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर ठीक है विच एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ए प्रोग्राम और अल्गारथम तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें देखिए सिंपली तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं फर्स्ट वी राइट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ठीक है तो एल्गोरिथम्स एंड दियर इक्विवेलेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मोर इजीली अंडरस्टूड इफ दे मेनली यूज सेल्फ कंटेंट मॉड्यूल्स एंड थ्री टाइप ऑफ लॉजिक और फ्लो ऑफ कंट्रोल अब जो तो तीन तरह के फ्लो ऑफ कंट्रोल या लॉजिक यूज होते हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने में या एल्गोरिथम को डेवलप करने में एक तो होता है सिक्वेंस लॉजिक सिक्वेंस लॉजिक या इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल फ्लो सिक्वेंशियल फ्लो ठीक है दूसरा होता है आपका सेलेक्शन लॉजिक तो सेकेंड आप लिख सकते हैं सिलेक्शन लॉजिक या इसको आप ये भी कह सकते हैं कंडीशनल फ्लो अभी हम इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस में कौन सा लॉजिक इस्तेमाल हुआ है और थर्ड होता है इटरेशन लॉजिक इटरेशन लॉजिक या इसको बोलते हैं रिपीटेटिव फ्लो दैट इज कॉल्ड रेपिटेटिव फ्लो ये तीन तरह के लॉजिक यूज होते हैं प्रोग्राम या एल्गार्थम के डेवलपमेंट में ठीक है अब इसको हम वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट तो पहला हम जो लेते हैं पहला हम लेते हैं मान लीजिए सिक्वेंशियल सिक्वेंस लॉजिक तो फर्स्ट हो गया हमारा सिक्वेंस लॉजिक या इसी को बोलते हैं सिक्वेंशियल फ्लो स लॉजिक याल फ्लो में क्या होता है कॉन्ट्रेरी द मॉड्यूल्स्यूटेड इन दस सिक्वेंस दिक्वेंस मे बी प्रजेंटेड एक्सप्लिस इम्प्लिसिटली बाई दिन विच द मॉड्यूल्स आर रिटेन मतलब सिक्वेंस को या तो आप स्टेप वाइज रिप्रेजेंट कर दीजिए स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री इस तरह से या अगर आप नंबर नहीं भी डालते हैं तो जिस ऑर्डर में लिखे रहेंगे उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो गए तो इस तरह के लॉजिक को क्या बोलते हैं सिक्वेंस लॉजिक अब जैसे इसका अगर हम एग्जाम्पल आपको बताएं तो सिंपली मान लीजिए हमने कहा एल्गोरिथम हमने लिखा यहाँ पे एल्गोरिथम ठीक है तो एल्गोरिथम मान लीजिए हमने से लिखा मॉड्यूल ए मॉड्यूल ए उसके बाद हमने लिखा मॉड्यूल बी और उसके बाद हमने लिखा मॉड्यूल सी तो अब इसका इक्वलेंट फ्लो चार्ट अगर हम बनाएंगे तो यहां पर हम लिखे फ्लो चार्ट इक्विलेंट किस ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट होंगे ठीक तो देखिए ये इसी ऑर्डर में एक्जीक्यूट होंगे कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा मॉड्यूल ए उसके बाद मॉड्यूल बी एग्जीक्यूट होगा ये हो गया मॉड्यूल बी उसके बाद मॉड्यूल सी एक्जीक्यूट होगा ये हो गया मॉड्यूल सी ठीक तो इस तरह के लॉजिक को क्या बोलते हैं इस तरह के लॉजिक को कहते हैं सिक्वेंस लॉजिक या सिक्वेंशियल फ्लो ठीक तो ये तो हो गया फर्स्ट तरह का अब सेकेंड आप आ जाइए सिलेक्शन लॉजिक या कंडीशनल फ्लो इसमें क्या होता है कि इसमें सीक्वेंस को ब्रेक करके जैसे भी कंडीशन रहती है उस हिसाब से काम किया जाता है तो सिलेक्शन लॉजिक एम्प्लॉयज ए नंबर ऑफ कंडीशंस विच लीड टू ए सिलेक्शन ऑफ वन Out of several alternative methods, the structures which implement this logic are called conditional structure or if structure. theek hai ab isme isme dekhiye kaise hoga ki these conditional structure fall into three types. अब ये जो conditional structure होते हैं हमारे, जो हमने कहा selection logic, selection logic या इसको हम क्या बोलते हैं conditional flow. This is called कंडीशनल फ्लो ठीक है अब ये जो है तीन तरह से होते हैं पहला तो होता है सिंगल अल्टरनेटिव सिंगल अल्टरनेटिव ठीक है दूसरा होता है डबल अल्टरनेटिव सेकंड इज डबल अल्टरनेटिव और थर्ड होता है आपका पहला हो गया मल्टीपल अल्टरनेटिव थर्ड हो गया आपका मल्टीपल अल्टरनेटिव ठीक अब इसमें वन बाय वन देखिए क्या होता है कि सिंगल अल्टरनेटिव में क्या होता है फर्स्ट वाले में इन केस ऑफ सिंगल अल्टरनेटिव इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चर जो होता है उसका वो इस तरह होता है जैसे आपने कहा इफ फिर आपने यहां दिया कंडीशन फिर आपने लिखा देन ठीक है तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद क्या होगा यहां पे हमने लिखा मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा ठीक है अदरवाइज तो अदरवाइज इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है तो यहां पे हमने एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर लिख दिया एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर मतलब इफ स्टेटमेंट यहां स्ट्रक्चर खत्म हो गया तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा फॉल्स होगी तो उसका कोई यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दिया है तो इसको बोलते हैं सिंगल अल्टरनेटिव मतलब क्या हुआ अगर इसका हम फ्लो चार्ट बनाए तो हमने कहा कि से सपोज कीजिए प्रोग्राम का कंट्रोल यहां से आया यहां पे हमने क्या दिया कोई कंडीशन दी ठीक है अब अगर ये यस होगी अगर ये कंडीशन ट्रू है मतलब यस है तो क्या होगा तो तो मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा तो यहां हम लिख देंगे मॉड्यूल ए और अगर नो no है तो नो no में कुछ नहीं होगा अपना नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट है वहां आएगा तो नो no वाला आप यहाँ पे बाईपास करके यहाँ जोड़ दीजिए इस तरह से ठीक ये इस तरह का जो लॉजिक रहता है वो कहलाता है सिंगल एंटेलिटी मतलब अगर कंडीशन ट्रू ही है ट्रू है तो ही मॉड्यूल एग्जीक्यूट होना है और फॉल्स है या नहीं है या क्या है उससे उसमें कोई कंट्रोल आपका नहीं रहता है अब आ जाइए डबल अल्टरनेटिव पे डबल अल्टरनेटिव के केस में क्या होता है इन केस ऑफ डबल अल्टरनेटिव इसमें क्या होता है कि इसमें इफ और एल्स दोनों की कंडीशन फुलफिल होती है जैसे हमने लिखा इफ फिर हमने यहाँ दिया कंडीशन अब ये कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या होगा मॉड्यूल ए एग्जीक्यूट होगा तो हमने यहाँ लिख दिया मॉड्यूल ए और नहीं तो तो नहीं का मतलब हो गया एल्स एल्स में क्या होगा फिर मॉड्यूल बी एग्जीक्यूट होगा मतलब दोनों ऑप्शन दिए हैं कंडीशन ट्रू है तो ये कीजिए और फॉल्स है तो मॉड्यूल बी एग्जीक्यूट कीजिए और फिर यहां पे हम लिख देंगे एंड ऑफ इफ एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर ठीक तो ये कहलाता है डबल अल्टरनेटिव इसका अगर हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये प्रोग्राम कंट्रोल आया यहां हमने कंडीशन चेक किया ठीक यहां पे हमने लिखा कंडीशन अगर कंडीशन यस है तो क्या होना है मॉड्यूल ए तो यहां हमने लिख दिया मॉड्यूल ए मॉड्यूल ए और अगर नो है ये अगर नो है तो क्या होगा तो हमने लिख दिया कि साहब उस केस में आप मॉड्यूल बी एग्जीक्यूट कीजिए तो हमने यहाँ लिख दिया मॉड्यूल बी और चाहे ए एग्जीक्यूट हुआ तो भी फिर ये प्रोग्राम कंट्रोल आगे चला गया और बी हुआ तो भी यहाँ पे आके फिर आगे चला गया तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं डबल अल्टरनेटिव इसमें क्या होता है कि इसमें अगर नो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो मॉड्यूल ए स्किप हो जाता है ठीक तो ये हो गया आपका डबल अल्टरनेटिव अब जो तीसरा आता है आपका मल्टीपल अल्टरनेटिव मल्टीपल अल्टरनेटिव में क्या रहता है कि आपको कई आपके पास कई अल्टरनेटिव अवेलेबल रहते हैं जैसे हमने यहां पे लिखा मल्टीपल मल्टीपल alternatives ठीक है इसमें क्या होगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है जैसे हमने कहा इफ मान लीजिए हमने यहाँ दिया कंडीशन अब कई कंडीशन देनी है तो हमने कहा वन फिर हमने लिखा देन अगर कंडीशन वन ट्रू है तो हमने यहाँ पे लिख दिया मॉड्यूल से ए वन नाम दे दिया हमने मॉड्यूल को ठीक अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ लिखेंगे एल्स और एल्स के साथ ही दूसरा इफ लगा दिया ठीक फिर हमने लिखा कंडीशन टू दिया अगर ये ट्रू है तो यहां हमने लिखा मॉड्यूल टू ए टू ठीक अगर ये भी नहीं है तो इसी तरह से हम कई कंडीशन दे सकते हैं तो यहां हम लिखेंगे एल्स इफ यहां हमने लिखा कंडीशन मान लीजिए एम देन यहाँ पे हमने लिख दिया मॉड्यूल एम मतलब इसमें आप वेरियस कंडीशन दे सकते हैं और अगर लास्ट तक में से ये भी नहीं ट्रू है तो फिर इस इफ के काउंटर में आप यहाँ लिख देंगे एल्स और आप यहाँ पे कोई और मॉड्यूल एग्जीक्यूट करा दीजिए मॉड्यूल बी और उसके बाद आपका इफ़ खत्म हो जाएगा तो यहां आप लिख देंगे एंड ऑफ इफ़ स्ट्रक्चर यहां पे इफ़ स्ट्रक्चर एंड हो जाएगा

ठीक है तो ये तीन तरह के सिलेक्शन लॉजिक यूज होते हैं प्रोग्राम के डेवलपमेंट में या एल्गोरिथम के डेवलपमेंट में तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अब इसमें इस, इस पर चाह रहा था आपको एक एग्जाम्पल एक और इसको एग्जाम्पल लेके समझाने की तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे और एक जो तीसरा इटरेशन लॉजिक रह गया है वो भी हम कमिंग वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके थैंक यू